हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आवर वीडियो। सो हैप्पी न्यू ईयर माय फैमिली इज 2023। सो कैसे हो आप सब। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको ब्लैक साड़ी में मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। सो स्मोकनेस आइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ना बेबी हिमालय का मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, आप मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज कर। नेक्स्ट हमारा मेन प्रोडक्ट होता है प्राइमर। इससे ना लेयर बनती है अंदर, ऑब्जर्विंग उतना मेकअप हमारा नहीं होता है। मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे पे पिंपल्स भी नहीं आते हैं। सो आप इसको आप कोर्स यूज करिएगा। सो प्राइमर लगाएंगे हम इस तरीके से कुछ, फिर इसके बाद हम लेंगे। मैं यहाँ पे फेव स्टिक का कलर स्टूडियो पैड ले रही हूँ। इसमें हमको कंसीलर, कंट्रोलिंग सब कुछ अवेलेबल है, ब्लश, हाइलाइटर। सो हम आई मेकअप करेंगे सबसे पहले। तो आई बेस के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी और इस तरह से फ्लैफी ब्लश लेते हुए बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं लूँगी यही बेबी का हिमालय पाउडर और आईज को अपने सेट करने के लिए शेड को अप्लाई करूँगी। सो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कलर स्टूडियो का पैलेट ले रही हूँ। मेरा फेवरेट पैलेट है, मुझे इसमें से सब कुछ अवेलेबल होता है। सो मैं यहाँ पे पीच कलर लेते हुए म्यूट कलर में क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर टू आउट कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दो तीन कोड लेते हुए। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब है, बट एडजस्ट यू। सो इसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन कलर लूँगी और क्रीज लाइन पे ऊपर ही डबल शेड पे करूँगी। थोड़ा सा ही क्रीज लाइन दिखेगी, मीन्स पीच कलर, और हम यहाँ ब्राउन को डार्क देंगे इस तरीके से दो तीन कोड लेते हुए। दो साइड में हमारा ये कलर बहुत ही ब्यूटीफुल सा आएगा। फिर इसके बाद में वही कंसीलर लेते हुए कट क्रीज अप्लाई कर लूँगी। इसमें हमें बहुत ही अच्छे से बराबर कट बनाना है। अच्छा हमारा कट बनेगा, जितने अच्छे सॉफ्ट से आप कर सकते हो उतना अच्छा हमारा मेकअप भी दिखेगा। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो, जो हमारा स्मोकनेस आईज देगा, मुझे बहुत अच्छी पसंद होती है। सो मैं यहाँ पे ग्रीस लाइन, सॉरी कट ग्रीस पे अप्लाई करूँगी, ब्लैक कलर के डार्क में अप्लाई करूँगी। फिर मैं यहाँ पे ग्लिटर ले रही हूँ, ग्लिटर इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। ग्लू गन लगाते हुए ग्लिटर अप्लाई कर लेना शाइनिंग के लिए। फिर यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का ही आईलाइनर अप्लाई किया, थोड़ा मोटा शेड दूंगी। फिर यहाँ पे मैं एलोवेरा का बीबी का जो है फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा मेरे शेड में सेट हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग फेस के शेड लीजिएगा। सो इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर लेते हुए इसे टैप टैप करते हुए हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जितने अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा मेकअप निखर के वापिस आएगा। सो इस तरीके से अप्लाई कर लेना। आपको मेरे प्रोडक्ट की लिंक मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सो देन मैं वही पैलेट से यहाँ पे ब्लैक कलर में आईब्रो फिल कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक लिया और ब्राउन लाइट कलर में दे। नेक्स्ट मैंने कंसीलर पैलेट से वही कंसीलर से जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मेरे डार्कनेस है वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। सो जहाँ जहाँ पे आपके पास डार्कनेस हो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना बेस रखिएगा और उसी हिसाब से कंसीलर अप्लाई करिएगा। सो मैं यहाँ पे फोरहेड पे और वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर दूंगी डार्कनेस पे। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंटोरिंग उसी पैलेट से ले रही हूँ और अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैं यहाँ पे कंटोरिंग कर रही हूँ, जिससे कंटोरिंग करने से ना हमारा फेस थोड़ा पतला दिखेगा, नोज लंबी दिखेगी, चीक्स थोड़ा फ्लफी से लगेंगे। सो इस तरीके से मैं जो लाइन पे और चीक्स पे, नोज पे और फोरहेड पे ऊपर अप्लाई कर लेना। इससे हमारा फेस जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही कंटोरिंग पसंद है। सो इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर मैं उसी पैलेट से अपने पिंक, डार्क पिंक और लाइट पिंक में मैं तीनों सेट को मिक्स करते हुए यहाँ पे ब्लशर अप्लाई करूँगी। शाइनिंग के लिए थोड़ा सा गोल्डन अप्लाई कर दूँगी। सो इस तरीके से हमें पाउट बनाते हुए अपने ब्लशर करना हो और हमारी चीक्स बहुत ही ब्यूटीफुल से लगे, नोज पे भी अप्लाई करना। उसी पैलेट से मैं लेते हुए यहाँ पे फिर मैंने हाइलाइटिंग भी कर ली। हाइलाइटिंग में मैंने पिंक और गोल्डन को मिक्स करते हुए इस तरीके से अप्लाई की। फिर यहाँ पे मैंने म्यूट कलर में लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आई लव म्यूट कलर, बहुत ही अच्छा सा शेड आता है, फेस बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल लगता है। सो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लेना। फिर मैंने सेटिंग पाउडर लेती हूँ, वही बेबी का जो हिमालय पाउडर है सीख लेती हूँ। मैं अपने मेकअप को लॉक करने जा रही हूँ। सो इस तरीके से अप्लाई करके हमें 2 सेकेंड बाद इसे डस्टिंग कर देना हो और इस तरह अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो इस तरीके से हमारा लुक कंप्लीट होता है। सो गाइस, इसके बाद फिर यहाँ पे मैं लूँगी लाइनिंग के लिए। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर में अप्लाई करूँगी, वाटर लाइन पे आधे पे ही अप्लाई करूँगी। वही आई शेडो पैलेट से मैंने ब्राउन कलर लिया हुआ है और यहाँ पे सामने के साथ मैं गोल्डन हाइलाइटिंग दूँगी। सो गाइस, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैंने उसी तरह से लोकल मार्केट से लिया हुआ मस्कारा यूज कर रही हूँ, देख सकते हो कितनी स्मोकनेस आइस लग रही विद आउट लाइटिंग के। सो इस तरीके से हमारी स्मोक आइस लगेगी और मैं यहाँ पे फिट मी का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। सो गाइस वाह, सो इस तरीके से हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। सो 1 2
थ्री स्टार्ट। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा लुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे लग रहा है ना सॉफ्ट और नेचुरल ब्यूटी, और मुझे आईज तो यार आई लव सो मच आईज यार, स्मोकनेस लगती है बेडाउट। मैंने आई लेसेस अप्लाई किया हुआ, आई लाइक इट। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।